स्टेट लैंड को लेकर एक बड़ी अपडेट जो है वो सामने आ रही है। और आपको बता दूं कि आज जिस तरीके से चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता की तरफ से तमाम जितने भी डीसी या फिर डिवकॉम कश्मीर जम्मू हो उनके साथ मीटिंग की गई है, और इस मीटिंग में साफ तौर पर यह बात वाजिया की गई है कि एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो कंटिन्यू रहेगी। जी बिल्कुल, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो जारी रहेगी, उसको रोका नहीं जाएगा। जिस तरीके से लोगों को उम्मीद थी कि शायद जो है सरकार अपना फैसला बदलेगी, लेकिन आज एलजी इंतजामिया की तरफ से ये एक बड़ा जो है फिर से एक फैसला लिया गया है कि एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को कुछ भी हो जाए रोका नहीं जाएगा। लेकिन साथ ही साथ ये बात भी कही गई है कि जितने भी गरीब लोग हैं और जितने भी गरीब लोगों के घर स्टेट लैंड के ऊपर हैं उनको नहीं गिराया जाएगा। और ये बात भी जो है वो सामने रखी गई है कि जितने भी डीसीज थे ज़िले के उनके साथ मीटिंग की गई, जिसमें डिवकॉम कश्मीर और डिवकॉम जम्मू वो भी वहाँ मौजूद थे। और ये जो मीटिंग की गई है आज तमाम जितने भी डीसी हैं उनके साथ मीटिंग की गई है, और सबको हिदायत यही जारी की गई है कि एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को रोका नहीं जाएगा, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो कंटिन्यू रहेगी। लेकिन वहाँ पर उन्होंने ये बात भी कही है कि आप लोगों को बिल्कुल भी डरना नहीं है और इस ड्राइव को जो है वो जारी रखना है, किसी के भी प्रेशर में जो है वो नहीं आना है। और जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी लैंड ग्रैबर हैं जिन्होंने 100 या फिर 50 कनाल ज़मीन जो है वो सरकार की उनके पास है, उन लोगों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। उनकी लैंड जो है वो सरकारी ज़मीन जो है वो वापस की जाएगी। और साथ ही साथ ये बात भी कही गई है कि जिन लोगों का गुजारा होता है स्टेट लैंड के ऊपर से, जिन लोगों ने अपने घर बनाए हुए हैं या फिर किसी को एक ही घर है स्टेट लैंड के ऊपर, उनके साथ जो है वो छेड़खानी नहीं की जाएगी। लेकिन जितने भी लैंड ग्रैबर हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, जितनी भी ज़मीन स्टेट लैंड उनके पास है उनको वापस किया जाएगा। फ़िलहाल गरीबों के लिए बार बार ये बात कही जा रही है, एलजी साहब की तरफ से भी ये बात कही गई थी कि ये गरीबों के साथ छेड़खानी नहीं की जाएगी, ये ड्राइव जो है वो तमाम अमीर लोगों के लिए है। लेकिन काफ़ी हड़कंप मचा हुआ था, उसके बाद लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो डरे हुए थे। लोगों का कहना था कि क्या शायद हमारे घर जो है वो तोड़ दिए जाएंगे। लेकिन ये बात भी कही जा रही थी कि बीजेपी के कुछ लीडर जो हैं वो एलजी से मिले थे, उन्होंने ये भी कहा था कि 10 से 15 कनाल जो ज़मीन है स्टेट लैंड के ऊपर जो लोग रह रहे हैं उनकी रजिस्ट्रेशन की जाएगी। ये सब इन सब बातों के बीच में आज चीफ सेक्रेटरी की तरफ से मीटिंग की गई है, और मीटिंग ये बात जो है वो वाजिया कर दी गई है, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी, उसको नहीं रोका जाएगा। लोगों को उम्मीद थी कि सरकार शायद अपना फैसला बदलेगी, लेकिन नहीं, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जारी रहेगी। और इसमें गरीबों के लिए यही राहत है कि जिस किसी का घर स्टेट लैंड के ऊपर है वो बिल्कुल भी नहीं तोड़ा जाएगा। साथ ही साथ ये बात भी कही है, ये जितनी ज़मीन जो है वो सरकार वापस ले रही है लोगों से, अपनी स्टेट लैंड जो है वो वापस ले रही है, इसको पब्लिक डोमेन में लाया जाए, और ये जितनी भी ज़मीन है ये लोगों के काम काज के लिए, लोगों की वेल विशेस के लिए ये ज़मीन जो है वो यूज़ की जाएगी, या फिर इन ज़मीनों के ऊपर जो सरकारी ज़मीन जो है वो वापस ले रही है उसके ऊपर हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, प्लेग्राउंड, पार्किंग, इन चीज़ों के लिए ये ज़मीन जो है वो यूज़ की जाएगी, और बिल्कुल ये पब्लिक डोमेन में साफ तौर पर रखी जाएगी। ये सारी ज़मीन जितनी भी हर दिन जो है वापस ली जा रही है, ये पूरा डाटा जो है, जितना भी डाटा है इस स्टेट लैंड का, वो पब्लिक डोमेन में हर दिन जो है अपडेट होना चाहिए, ये बात भी कही गई है। लेकिन साथ ही साथ गरीबों के लिए भी ये बात कही गई है कि उनके लिए ये राहत है कि उनके घर जो हैं वो नहीं तोड़े जाएंगे। जिस तरीके से सुजमा बठिंडी में भी लोग इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अलग दिगर जगहों पर भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लेकिन उसी बीच जो है आज की मीटिंग में ये साफ तौर पर लोगों को उम्मीद थी कि जो आज की ये मीटिंग है हो सकता है इसमें सरकार अपना जो है वो फैसला बदलेगी, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन अपना फैसला बदलेगी, लेकिन नहीं, बिल्कुल क्लियर कट जो है वो हिदायत जारी की गई है जितने भी ज़िले के डीसी हैं कि एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो बिल्कुल जारी रहेगी, और लेकिन गरीबों के साथ जो है वो छेड़खानी नहीं की जाएगी। और ये बात कही गई कि गरीबों को जो है स्टेट लैंड के ऊपर जिनके घर हैं उनके साथ बिल्कुल भी छेड़खानी जो है वो नहीं की जाएगी। और ये जो चीज़ें हैं, ये स्टेट लैंड है, ये गरीब लोगों के लिए यूज़ में लाई जाएगी बाद में, जितने भी लैंड ग्रैबर हैं उनसे लेकर, और ये तमाम जो हैं वो बातें आज इस मीटिंग में कही गई हैं, और देखते हैं क्या कुछ निकल कर जो है वो सामने आता है, वो भी आपके समक्ष ज़रूर रखेंगे।